नमस्कार, मैं प्रिया। आज 23 दिसंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर और डिप्टी मैनेजर के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर समेत अन्य पदों के लिए आवेदन की मांग की है, जिसकी प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो SBI के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2021 है। बिहार में 23 तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी। बिहार में शीतलहर के साथ साथ कनकनी का कहर भी लगातार जारी है। इसको लेकर बिहार में कोल्ड वेव का अलर्ट 23 दिसंबर तक जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि यह स्थिति 48 घंटे तक बनी रह सकती है। बिहार में लगभग सभी जिले में कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इस बीच पटना में मंगलवार की सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई थी, जिसके कारण सड़क से लेकर आसमान तक असर पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही विमानों के परिचालन पर भी असर पड़ रहा है। बीते दिन भी मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। सिवान के हसनपुरा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार का हसनपुरा गांव धनाई नदी के किनारे सिवान से दक्षिण में 21 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी कुछ कम नहीं है। अरब के किसी दूर देश से एक संत मखदूम सैयद हसन चिश्ती भारत आए थे। वो भारत के लोगों और संस्कृति से इतना प्रभावित हुए थे कि अपने देश वापस न जाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने ही हसनपुरा गांव की स्थापना की। मखदूम सैयद हसन चिश्ती यहां लंबे समय तक रहे। उनका रुझान धर्म और आत्मा की पवित्रता की ओर था। वहीं वो बिहार के हसनपुर में धार्मिक संस्था खनकाह के संस्थापक थे। बिहार में वैक्सीन देने का काम जल्द होगा शुरू। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। इस वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है और केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही बिहार में कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों और शिक्षक संस्थानों को आदेश दिया है कि वो अपने यहां काम करने वाले स्टाफ की पूरी लिस्ट मुहैया कराए। राजधानी पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार की तरफ से सभी प्राइवेट स्कूल और शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और निदेशकों को पत्र जारी कर दिया गया है। पर्यटन विभाग ने शुरू किया टूर पैकेज। कोरोना के माहौल के बीच लंबे समय तक बंद रहने के बाद अब पर्यटन भी धीरे धीरे खुलने लगा है, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार राज्य पर्यटन निगम भी पर्यटक के लिए टूर पैकेज चालू करने जा रहा है। कोरोना काल में लंबे समय से बंद रहे नालंदा, राजगीर, पावापुरी, गया और बोधगया के लिए पर्यटक टूर पैकेज को चालू करने का ऐलान किया गया है। 25 दिसंबर से टूर के लिए बुकिंग शुरू होगी और इसके लिए 600 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। टूर की शुरुआत 2 जनवरी से शुरू होगी। यह एक दिन का पैकेज है और टूर पटना से शुरू होकर वापस पटना में खत्म होगा। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 497 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,48,028 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 165 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में 36 तो कैमूर में 25 मामले सामने आए हैं। किसान आंदोलन के बीच बिहार के किसानों को क्रिसमस से पहले मिली बड़ी सौगात। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की पहल पर कृषि विभाग बिहार के सभी किसानों को क्रिसमस में बड़ी सौगात देने जा रही है। किसानों की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर ही समाधान को लेकर ऐतिहासिक कदम भी उठाया गया है। 25 दिसंबर से पंचायत स्तर तक एक दिन एक समय पर किसान दरबार की व्यवस्था शुरू की है। प्रमंडल से लेकर पंचायत स्तर के कृषि अधिकारी हर सप्ताह शुक्रवार को किसानों की समस्या सुनेंगे। 2.5 घंटे की पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। बिहार में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी विभाग के प्रमंडल से लेकर पंचायत स्तर के पदाधिकारी एक साथ एक समय पर अपने अपने कार्यालय में रहेंगे। बिहार में 19 लाख रोजगार देने के लिए बनाया जाएगा नया डिपार्टमेंट। बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए नीतीश सरकार लगातार इस दिशा में कदम उठा रही है। 19 लाख रोजगार देने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अब एक नया विभाग बनाने जा रही है, जो 19 लाख रोजगार देने के लिए बनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में कौशल एवं उद्यमिता विभाग का गठन होगा, जो 19 लाख रोजगार देने के लिए बनाया जा रहा है। सरकारी सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक गैर सरकारी नौकरी देने और रोजगार पैदा करने के लिए नया विभाग का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय पार्ट दो को लेकर की मीटिंग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन उन्होंने श्रम संसाधन विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के साथ बैठक की। मिली जानकारी के अनुसार आयोजित बैठक में सात निश्चय पार्ट दो के तहत श्रम संसाधन विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। सात निश्चय पार्ट दो के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो संकल्प है उसे पूरा किया जाए, इस पर मंथन किया गया है। आपको बता दें, आयोजित बैठक में विभागीय मंत्री अशोक चौधरी और जीवेश मिश्रा का नाम भी शामिल है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नेहा शर्मा की। नेहा शर्मा भागलपुर की रहने वाली हैं। नेहा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म चिरत से की थी। इसके बाद वो तेरी मेरी कहानी और कॉमेडी फिल्म क्या सुपर कूल है हम में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके अलावा रितेश देशमुख और तुषार कपूर भी दिखाई दिए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की थी। हालांकि उनका अब तक हिंदी फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन वो जल्द ही हेरा फेरी 3 में जॉन इब्राहिम के संग नजर आएंगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 13 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन कैबिनेट बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संवाद में कैबिनेट की बैठक का आयोजन करवाया गया था। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है, जिसके बाद 13 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। बिहार कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार वास्तविक सेवा संवर्ग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विभागों, कार्यालयों, निगमों के अधिकारों में पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए आवश्यक कुल 44 पदों का सृजन किया था। बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है। बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 से बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थाओं से 3500 करोड़ रूपए ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य की गारंटी प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला किया गया है। पटना में विभागीय जांच के ADM कपिलेश्वर मंडल, विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव शंकर, उपेंद्र प्रसाद, विनय कुमार पांडे, भानु प्रकाश, ओम प्रकाश महतो और डॉक्टर अजय कुमार का तबादला किया गया है। इसके साथ ही पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे BS अधिकारी अविनाश कुमार, किशोर कुमार प्रसाद, ब्रज किशोर, सदानंद, सुनील कुमार, चंद्रशेखर झा और अभिजीत कुमार की भी पोस्टिंग कर दी गई है। बिहार पंचायत चुनाव में 700 मतदाताओं पर बनाया जाएगा एक बूथ। बिहार में पंचायत आम चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं चुनाव को लेकर बूथ गठन की तैयारियां भी जारी है। इसके बाद अब बिहार में अगले साल यानी कि साल 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव में 700 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया जाएगा। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 1000 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने ग्रामीण इलाकों में होने वाले इस चुनाव को लेकर बूथों के गठन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। EVM से आम चुनाव कराए जाने को लेकर पंचायती राज विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव में 8000 से ज्यादा मुखिया के पदों पर चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। बिहार विधान परिषद की 4 रिक्त सीटों पर उपचुनाव की कम हुई संभावना। बिहार विधान परिषद की 4 रिक्त सीटों पर चुनाव करवाने की खबर सामने आई है। हालांकि अब मिली जानकारी के अनुसार इन सीटों पर चुनाव के आयोजन करवाने की संभावना काफी कम हो गई है, जबकि विधानसभा कोटे की 2 सीटों पर उपचुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग को बिहार विधान परिषद की 6 रिक्त सीटों की जानकारी दे दी है। 4 सीटों में से 1 सीट सुनील कुमार सिंह के गुजर जाने से 22 जुलाई 2020 से रिक्त है। वहीं विधायक बन जाने के मनोज यादव, दिलीप राय और रीतलाल यादव की सीट 11 नवंबर 2020 को रिक्त हुई है। इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया 10 मई 2021 तक पूरी की जानी है। ऐसे में इन सीटों के लिए उपचुनाव होने की संभावना कम है। वहीं विधानसभा कोटे के 2 सीट रिक्त हैं। इनमें 1 सीट पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा और दूसरे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की है। आज बिहार के 23 प्रखंडों में कांग्रेस करेगी किसान पंचायत। कृषि कानून के खिलाफ अलग अलग राज्यों में किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस आज किसानों के विरोध का समर्थन करने 23 प्रखंडों में कांग्रेस किसान पंचायत का आयोजन करवाने जा रही है। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि किसान पंचायत में किसानों को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून से उत्पन्न हालात की जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व में राज्य भर के किसान संगठनों के साथ एक बैठक भी की थी।
ठंड से छुट्टी मनाने मुंबई से बिहार आए पंकज त्रिपाठी। मुंबई से दूर बिहार के अपने गांव में सर्दियां एंजॉय करते पंकज त्रिपाठी नजर आए हैं। मिर्जापुर फेम पंकज त्रिपाठी इन दिनों बिहार के गोपालगंज जिला स्थित बरौली के बेलसंड में है। उनके आते ही सुबह से ही उनके फैंस का तांता लगा हुआ है और युवाओं में सेल्फी लेने की होड़ भी मची है। पंकज त्रिपाठी ने गांव आने की बात पर कहा कि वो बहुत सालों के बाद अपने गांव में खुद को ओस की बूंदों से भिगोने आए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भले ही मुझे स्टारडम मिल जाए पर मैं वैसा आचरण कभी नहीं कर पाऊंगा। बिहार में बढ़ रहे अप्रिय वाक्यों को देखते हुए राजद ने किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नामकरण। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के बीच सोशल मीडिया पर बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी को जंगल राज के युवराज तो कभी विपक्ष में बैठे लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी करते नजर आए हैं। इसी क्रम में अब राजद ने बिहार में बढ़ रहे अप्रिय वाक्यों को ध्यान में रखते हुए नया नामकरण किया है। राजद ने ट्वीट कर कहा है कि जब तक जनादेश चोर सीएम नीतीश कुमार अगले दिन के अखबार को अपने सरकार के निकम्मेपन से रंग नहीं देते हैं तब तक उन्हें नींद नहीं आती। नए साल के पिकनिक को लेकर तैयार हुआ पटना जू। नए साल के स्वागत को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पटना जू में इस बार विजिटर्स के लिए खासा इंतजाम किया गया है। जू में दर्शक न सिर्फ पुराने जानवरों का दर्शन कर पाएंगे बल्कि इस बार 3D थिएटर का भी लुफ्त उठा सकेंगे। पटना जू के निदेशक अमित कुमार की माने तो इस बार भी हर साल की भांति पटना जू में 35,000 से 40,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई गई है, जिसको लेकर एडवांस में टिकट बुकिंग की शुरुआत भी की जा रही है, जिसके बाद लोग 25 दिसंबर से ही ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। निदेशक ने कहा है कि जू का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अभी से ही दर्शक जू का भ्रमण करने पहुंच रहे हैं और यहीं पिकनिक मनाने की सोच रहे हैं। किसानों के समर्थन में राजभवन जा रहे जाप कार्यकर्ता पर पुलिस ने किया बल का इस्तेमाल। किसान आंदोलन के समर्थन में जाप संरक्षक पप्पू यादव समेत सभी कार्यकर्ता बीते दिन राजभवन के लिए निकले थे। हालांकि बीच में ही पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया था, जिसके बाद जाप कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ही पुलिस ने अपनी तरफ से बल का प्रयोग करते हुए वाटर कैनन की मदद से भीड़ को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। आपको बता दें, किसान बिल को लेकर लगातार अपना विरोध दिखा रहे हैं। बिहार में मंडी खत्म करने पर किसानों के बर्बादी की रवीश कुमार ने कही बात। NDTV के जाने माने एंकर रवीश कुमार का नाता बिहार से भी है। वहीं बिहार के किसानों और देश में जारी विरोध को लेकर रवीश कुमार ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाजपा यह कभी साबित नहीं कर सकती है कि बिहार में मंडी खत्म होने के बाद कोई किसान अमीर हुआ है। आज आलम यह है कि बिहार के किसानों को गेहूं और धान का दाम नहीं मिलता है, मक्का और दाल का भी दाम नहीं मिलता। अगर मंडी होती तो कुछ प्रतिशत ही सही किसानों को कम से कम MSP तो मिलती, लेकिन मंडी समाप्त करने के बाद MSP की हर संभावना खत्म हो गई है। इतना ही नहीं, रवीश कुमार ने कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप के किसानों को दलाल कहने की बात पर भी आपत्ति जताई है। CBSE डेट शीट पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिया अपना बयान। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते दिन यह साफ कर दिया है कि फरवरी महीने तक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि फरवरी महीने तक इसे कराना संभव नहीं होगा, कोरोना के कारण इसमें देरी होने वाली है। फरवरी के बाद परीक्षाएं कब होंगी उस पर मंथन किया जाएगा। लाइव वेबिनार के जरिए उन्होंने कहा कि CBSE के 24,000 से अधिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हैं, इसीलिए ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं है, इसलिए बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि आज के दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1894 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में पूस मेले का उद्घाटन आज ही के दिन किया था। नई दिल्ली को देश की राजधानी घोषित करने के समय 1912 में आज ही के दिन वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने हाथी पर बैठकर शहर में प्रवेश किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय का 1921 में उद्घाटन आज ही के दिन हुआ था। चांद पर से लाए गए पत्थरों को 1969 में राजधानी में आयोजित एक प्रदर्शनी में आज ही के दिन रखा गया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम 2000 में आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता आज ही के दिन किया गया था। भारतीय राजनीतिज्ञ जाने माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता रास बिहारी घोष का 1845 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रांतिकारी पत्रकार और संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में आज ही के दिन हुआ था।
दूसरे टेस्ट मैच से पहले स्टीव स्मिथ ने भारतीय टीम को दी सलाह। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है। सीरीज का पहला मैच एडलेड में खेला गया था, जहां टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टीम इंडिया को खास मैसेज दिया है। स्मिथ ने कहा कि देखिए, उस दिन हमने बेहतरीन तेज गेंदबाजी देखी थी। यह शायद पिछले लगभग 5 साल में हमारे बॉलिंग अटैक का यूनिट के तौर पर बेस्ट प्रदर्शन था। शानदार लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे। कभी कभी जब ऐसा होता है तो आपको अच्छी गेंद मिलती है और यह आपके बल्ले का किनारा लेती है और फील्डर कैच लपक लेता है। आपको इसे भूलकर आगे बढ़ना होता है और खुद को पॉजिटिव माइंडसेट में रखना होता है। फोन और कंप्यूटर दोनों में अब एक क्लिक में पाए हिंदी टाइपिंग। आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि कंप्यूटर और फोन में पहले से ही हिंदी कीबोर्ड का फीचर इनबिल्ट है। बस इसे सेटिंग्स में जाकर ऑन करने की जरूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले कोई मैसेज खोले, इसके बाद जो टाइपिंग का विकल्प दिया जाता है जिसमें कीबोर्ड के ऊपर या नीचे की तरफ एक ग्लोब का आइकॉन दिया होगा, उस पर क्लिक कर दे। इस पर क्लिक करते ही फोन स्क्रीन पर हिंदी समेत कई विकल्प आ जाएंगे, उनमें हिंदी का चुनाव करें। विंडोज में हिंदी कीबोर्ड को ऑन करने के लिए यूजर को पहले कंप्यूटर या लैपटॉप के कंप्यूटर पैनल में जाकर भाषा का चुनाव करना होगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,260 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,260 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजीव रंजन, ओमकार सिंह, राकेश कुमार, राजू, राजा, पुष्पा कुमारी, रामू कुमार, सुमन कुमार, राहुल कुमार, रविन्द्र कुमार, रविनंदन कुमार, अविनाश कुमार पासवान, ओमकार सिंह, विद्याभूषण, ललित कुमार, खुशी कुमारी, हितेश कुमार, नवदीप कुमार, इम्तियाज अली, रानी देवी, प्यारे लाल, मनीष कुमार, उमेश निराला, हंस लाल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा कोरोना के माहौल में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन करवाने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।